सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू पाकिस्तानी मॉम इन तंजानिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं बनाऊँगी भिंडी मसाला। बहुत ही आसान और मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई करें। मसाला के लिए मैंने 1/2 kg भिंडी लिया है, 2 to 3 टेबल स्पून धनिया लेंगे, 2 ग्रीन चिल्ली, 1/2 लेमन, 1 मीडियम साइज़ का मैंने ऑनियन लिया है, इसे मैंने जुलियन किट किया हुआ है, 1 यहाँ अलग से मीडियम साइज़ का मैंने ऑनियन लिया है, इसे चॉप किया हुआ है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसे भी चॉप किया हुआ है, 1/2 कप दही लिया है, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक। दही में यहाँ मैं 1 टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करके साइड पर रखें। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितनी स्पाइसी आपको पसंद है वो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं फ्लेम ऑन करके इसमें 1/2 कप ऑयल डाल दूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें प्याज डाल दूँगी और भिंडी डाल के इसे हम फ्राई करेंगे। भिंडी और प्याज को मैंने डाल दिया है, इसे अच्छे से फ्राई करके दिखाती हूँ। हमारी फ्राई हो चुकी है, इसे हम निकाल के साइड पे रख देंगे। दूसरा बर्तन लेंगे, इसमें वही जो बचा हुआ ऑयल था वो डाल देंगे। ऑयल हमने इस बर्तन में डाल दिया है और 1/4 कप और हम ऐड कर लेंगे। यहाँ जो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे चॉप किया हुआ, ये भी मैं ऐड कर लूँगी। प्याज हमारी लाइट पिंक हो चुकी है, इसमें अब मैं टमाटर डाल दूँगी और इसे अच्छे से भून लूँगी। मैंने जिंजर डाल दिया है, हरी मिर्ची डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करके इतना पकाऊँगी कि टमाटर अच्छे से गल। टमाटर यहाँ अच्छे से गल गई है, ये पक चुकी है। इसमें मैं दही डाल दूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैं इसमें दही डाल दूँगी, कि दही में जो मैंने मसाला मिक्स किया था ये डाल के इसे मैं अच्छे से मिक्स कर डाल दिया है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक कुक करेंगे। मैं नमक ऐड करूँगी 1/2 टी स्पून। इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें मैं भिंडी डाल दूँगी। ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है, यहाँ मैं फ्राई की हुई भिंडी डाल दूँगी, इसे अच्छे से मिक्स। यहाँ मैं धनिया ऐड करूँगी और जो मेरा 1/2 लेमन था वो भी मैं डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करके कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट तक। यहाँ हमारी भिंडी मसाला तैयार हो चुकी है, इसे हम डिश आउट करके आप जैसे कि आप देख रहे हैं। हाँ, यहाँ हमारी भिंडी मसाला रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई करें। जिनको भिंडी नहीं पसंद वो ये रेसिपी ट्राई करें, आई एम श्योर कि उनको रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।